SW24 न्यूज के शिवपुरी संवाददाता यूसुफ खान की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। मामला वार्ड क्रमांक 21 पुरानी शिवपुरी देहात थाने के पीछे तलैया मोहल्ले का है। यहां पुराना सफाई दरोगा विजय लौट के जाने के बाद नए सफाई दरोगा आने पर 20 दिन तक सफाई व्यवस्था बंद रही। हालात ये रहे, इस वार्ड 21 की जगह जगह कचरे के ढेर, नालियां भरी हुई पड़ी थी, जिससे कचरे के कारण नए नए मच्छर पैदा हो रहे थे, जिसकी वजह से कई वार्ड वासी बीमार हो चुके थे। जैसे ही यह खबर पत्रकार यूसुफ खान को लगी, वो वहां पहुंच गए। वार्ड 21 तलैया मोहल्ले में ग्राउंड रिकॉर्डिंग के लिए अपने चैनल पर खबर प्रकाशित कर वायरल की और वरिष्ठ अधिकारियों को फोन पर अवगत कराया। वार्ड 21 के हालात बहुत बुरे हैं, नवरात्रि भी चालू हो गई है, रमजान भी चालू हो गए हैं। वार्ड 21 के वासी इस बदबू के कारण काफी परेशान हो रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन प्रशासन हरकत में आ गया। नगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर वार्ड 21 की जनता की मांग पर सफाई दरोगा विजय लोट की वार्ड 21 में वापसी कर दी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विजय लोट है। ये वार्ड 21 में जो अभी जनता जो मुद्दा उठा रही थी कि पुराने दरवाजे आए वो ही सफाई करवाते थे, और आपको जहाँ वार्ड 21 में वापसी आपकी हो गई, अब कैसा क्या कार्य करोगे आप वार्ड 21? तो क्या है, जैसे वार्ड की मांग 21 था, पहले 20 में तो कुछ शिकायतें आ रही थी, वार्ड की मांग 20 में काम नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे वार्ड की मांग 20 दिया गया जी। लेकिन 21 अगर दूसरे दरोगा को दे दिया तो बाकी व्यवस्था बिगड़ गई जी, और 20 की वार्ड की सुधर गई, बाकी जनता को परेशानी हुई, उसने मांग की मेरी, मैं वापसी हुआ, लेकिन बाघा जो अब सुधार होगा अच्छा सा होगा। और देखो काम तो कहीं पे भी करना चाहिए। अभी भी बाट की जनता ने बाट 21 में बताया, अभी जो नए दरवाजे आए थे 21 दिन से सफाई भाई, अब आपका आपने कब से ये बाट 21 संभाला है? आज से मैंने इस वार्ड को संभाला। अब इसकी प्रक्रिया जमेगी और इसकी मेंटेनेंस बनेगा, क्योंकि वो गंदा हो चुका है पहले से, ज़्यादा नालियाँ वगैरह कचड़े कूड़े। सफाई में टाइम लगेगा? नहीं, जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, दो दिन में हम उसको क्लीन कर लेंगे दोबारा से, क्योंकि करना ही एक काम करना ही से ही होता है, काम करने से रुचि लेने से होता है। अपन किसी काम को अपन नज़र रखेंगे, उसको करेंगे तो काम होगा। अगर उसको अपन, जैसे आज हमारे कलेक्टर साहब हैं, आज वो भी सभी जिले को संभाल रहे हैं, हमारे CEO साहब भी हैं, वो भी उस काम को संभाल रहे हैं, तो हम जो सोचते हैं हम अपने कर्तव्यों पर भी हम भी खड़े उतरे और उनके विश्वास को हम कायम रखते हैं क्या, और जनता के विश्वास को भी कायम करें, यही हमारा कर्तव्य है। जनता को अगर अपन काम नहीं देंगे, जो हमें वेतन मिलती है और हमारा सम्मान काम करने से ही मिलता है, अपने कर्तव्य नहीं करेंगे तो अपन को सम्मान कहाँ से मिलेगा जी, जी। और जनता हमको क्यों पुकारेगी? हम जनता को काम करके देते हैं, जनता की हर बात की समस्या का वो करते हैं हम लोग। हाँ, तो इसलिए जनता ने आपका पूरा वार्ड 21 में समर्थन किया। ज़्यादा कीजिए, देखो किसी भी क्षेत्र का काम हो या तो अपनी नगरपालिका का काम, किसी भी वार्ड का हो या तो अपने नगरपालिका का काम, अगर कोई अच्छा सुनने में आ रहा है दरोगा जी के आपके वार्ड के अलावा कहीं से भी आप पे फोन अगर आ जाता है कहीं सफाई भाई, तो वहाँ भी करवा देते हो? तो करवाना पड़ेगा भाई, काम तो अपना ही है ना। जैसे हमारे CEO साहब ने अभी SO साहब ने फोन किया वार्ड क्रमांक 20 में नरेंद्र तरजी जी के यहाँ पर, वो नरेंद्र सिंह तोमर जी आए थे, वहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ी, उनने हमें फ़ोन किया तो वहाँ पर जाकर जल्दी से चूना डलवाइए, सफाई करवाइए, तो हम इनसे ये थोड़ी कहेंगे कि वो मेरा वार्ड नहीं है भाई, हमें तो अपने अधिकारी की बात मानना है। मतलब अधिकारी के अलावा क्या नाम है भैया आपका? सर एक सुरेशी नाम है। ये वार्ड 21 में जो अभी 21 दिन से आपने कुछ दिन पहले बताया था कि सफाई नहीं हो रही, नया दरोगा जब से आया है जी, अजय पुराने दरोगा की वापसी हो गई है जी, तो अब ये सफाई भाई चल रही है, कितनी क्या खुशी है? क्या बहुत खुशी है, हमारे वार्ड में सफाई हो रही है, 20-25 दिन से बहुत कचरों के ढेर लगे हुए थे यहाँ पे, बहुत बुरे हालात थे, हमको काफ़ी खुशी हो रही है, सफाई करवा रहे हैं विजय भाई। इनकी वापसी विजय भाई की, विजय भाई की वापसी से बहुत खुश है हमारे मोहल्लेवासी, खुश हैं सब, पूरे वार्ड जी, पूरे वार्ड वासी खुश हैं हमारे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।